हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5वां, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। मैं आप लोगों को साथ ही बता दूं कि आज हम लोगों की जो है सेकंड नंबर यूनिट भी शुरू हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि है हमारी सेकंड यूनिट कौन सी है, आनुवंशिकी एवं विकास। तो आनुवंशिक एवं विकास में जो है तीन चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर जो 5वां चैप्टर है वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एकदम पहले स्टार्ट करें कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले समझते हैं वंशागति और विविधता हम लोग किसे कहते हैं। वंशागति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वंशागति क्या होता है कि ये, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रजनन की क्रिया में जीव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर एक टर्म आती है कि अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, तो यहीं से शुरू होती है वंशागति का बेसिक कंसेप्ट। आप लोगों ने सामान्य रूप से आपके घर पे बात करते हुए या आप लोगों ने खुद में भी देखा होगा कि संतानें अपने माता पिता के समान जो है लक्षण प्राप्त करती हैं, या उनके लक्षण अपने माता पिता के समान होते हैं, या आपको भी कोई कहता हुआ मिलता है कि आप जो है अपने जो है पिता के समान दिखाई देते हैं या माता के समान दिखाई देते हैं, यानी कि आप में जो है आपके पूर्वजों के लक्षण आते हैं। तो ये वे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और फिर बस चलते ही इसी प्रकार जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं, गति करते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लोग बुलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, ऐसे लक्षणों को हम लोग कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण के बारे में क्या कहा मैंने आप लोगों को कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इनका स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और इन लक्षणों का एक से दूसरी पीढ़ी में जाना, इसी को हम लोग कहते हैं वंशागति। ठीक है, वंशागति यानी क्या होता है कि वे लक्षण जो क्या होते हैं, वे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या माता पिता के गुणों को संतानों में लेकर जाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लोग कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, और इन लक्षणों का एक से दूसरी पीढ़ी में चले जाना, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वंशागति। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट हमारा आता है विविधता। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि संतानें जो है अपने माता पिता के समान लक्षण प्राप्त करती हैं, तो संतानें अपने माता पिता के समान लक्षण प्राप्त करती हैं, ये हमने देखा है। लेकिन एक ही संतान से जो उत्पन्न संतानें होती हैं उनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं, लेकिन समानताएं होते हुए भी उनमें पर्याप्त अंतर जो है पाया जाता है, उनमें कुछ ना कुछ पर्याप्त अंतर जरूर देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। ठीक है, कि अनुवांशिकता की क्रिया में जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता के समान लक्षण रखती हैं, लेकिन उनके लक्षणों में समानता होने के बावजूद भी या समानता होने के बाद भी पर्याप्त अंतर जो है पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विविधता। अब यहाँ पे एक और टर्म मैं आप लोगों को बताऊं, आनुवंशिकी, या जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स, जो हमारा आनुवंशिकी वाला है। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं हम लोग, आनुवंशिकी जो है जब हम लोग आनुवंशिकता और विविधता, जब वंशागति और विविधता, वंशागति यानी कि समान लक्षणों का एक से दूसरी पीढ़ी में जाना, और विविधता यानी क्या है कि जब एक ही माता पिता के जो संतानें होती हैं उनमें बहुत सारी समानताएं होती है, लेकिन समानता होते हुए भी उनके बीच में पर्याप्त अंतर होता है, और इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विविधता। तो जब भी कभी हम लोग अनुवंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुवंशिकी। तो अनुवंशिकी के लिए क्या कहेंगे कि अनुवंशिकी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनुवंशिकता अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अब जब भी अनुवंशिकता या अनुवंशिकी का नाम आता है तो सबसे पहला नाम जो है हमारे दिमाग में आना चाहिए वो नाम है मेंडल, जिन्हें हम लोग बुलाते हैं
ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जैसे ही नाम आता है किसका, अनुवांशिकी का, तो हमारे जहन में सीधा पहला नाम आना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो पहले वैज्ञानिक हैं, या हम लोग कहें कि वो पहले सफल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए। इन्होंने जो है अपने अनुवांशिकता संबंधी जो प्रयोग थे वो मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि अनुवांशिकता संबंधी जितने भी प्रयोग थे वो मटर के पौधे पर इन्होंने किए थे। इन्होंने मटर के पौधे में लक्षणों का अध्ययन किया कि कैसे लक्षण एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो है जन्म ऑस्ट्रिया, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रिया के एक देश में 1822 को हुआ था। इनका जो परिवार था वो कृषक परिवार था, बहुत ज्यादा संपन्न नहीं था, और बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होने के कारण इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो किसी वैज्ञानिक की तरह या बहुत ही हाईली प्रोफेशनल की तरह नहीं हुई थी। ये जो है जब प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, उसके बाद जो है एक मॉनेस्ट्री जो है जो कि चेकोस्लोवाकिया में है, वहां से इन्होंने अपनी मॉनेस्ट्री की पढ़ाई या जिसे हम लोग कहते हैं पुजारी की जो पढ़ाई, धर्म की जो पढ़ाई है वो वहां से पूर्ण की, और उसके बाद जो है ब्रून नामक एक स्थान पर इन्होंने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया। ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के जो एक गांव है उसके पादरी थे, जहां पर ये रहते थे, जिस चर्च के या जिस मॉनेस्ट्री के जहां पर ये रहते थे वहीं के उद्यान में इन्होंने बहुत सारे मटर के पौधे लगाए, और इन मटर के पौधों पर इन्होंने लगभग 14 वर्षों तक लगातार प्रयोग किए। ठीक है, 14 वर्षों तक इन्होंने लगातार प्रयोग किए, और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान इन्होंने लगभग 10,000 संकरण के प्रयोग किए होंगे, 10,000 बार जो है इन्होंने क्रॉस के प्रयोग करके देखे होंगे, और इन प्रयोगों को करने के बाद इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, और इन निष्कर्षों को इन्होंने वहां की जो संस्था है उसे प्रदान किए। कहां पर? ब्रून में। तो उन्होंने जो है वहां पर ब्रून में संस्था थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, वहां पे इन प्रयोगों को प्रस्तुत किया। उस सोसाइटी ने जो है इनके प्रयोगों को एक पत्रिका में जो है पादप संकरण पर प्रयोग नाम से अपना जो आर्टिकल है उसमें छापा। लोगों ने इनके प्रयोगों को देखा, बहुत ही इनके जो प्रयोग थे उस समय की अगर बात करें हम लोग तो तब तक जो है अनुवांशिक क्षेत्र में इतने कार्य नहीं हुए थे कि सभी लोग जो है उन्हें समझ सके। और वैसे भी उस समय जब 1865 में, 1865 में, ठीक है, 1865 में जो है पहली बार इनके प्रयोग छपे, और उस समय जो पूरी दुनिया थी उनका ध्यान डार्विन और वेलेस के प्राकृतिक वर्णवाद में जो है ज्यादा लगे हुए थे लोग, इसी कारण जो है मेंडल के प्रयोगों पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद भी लगातार जो है मेंडल प्रयोग करते रहे, और एक लंबे समय बाद यानी कि सन 1900 में मेंडल द्वारा जो किए गए प्रयोग थे उन प्रयोगों को फिर से 3 वैज्ञानिकों, ह्यूगो डिव्रिज, कार्ल कार्लेंस और शेनमार्क द्वारा फिर से किया गया। अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से उन्होंने मेंडलों के प्रयोग को किया, और उन्होंने मेंडल के जो प्रयोग थे उनको सत्य सिद्ध किया, और लोगों को समझाया कि मेंडल जो है एक महान वैज्ञानिक है, और उनके द्वारा जितने भी प्रयोग दिए गए हैं वो सभी लैंगिक प्रजनन करने वाले पौधों और जंतुओं पर लागू होते हैं। बाद में 1905 में बैटसन और पुनेट नाम के दो महान वैज्ञानिक, जो बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी मेंडल के प्रयोगों को सत्य सिद्ध किया, और उसके बाद जो है मेंडल को काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन बस अफसोस इसी बात का है कि तब तक जो है मेंडल इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ठीक है, उनके प्रयोगों के 1865 में प्रकाशन के बाद लगभग जो है 36 वर्षों के बाद 1900 यानी कि 35-36 वर्षों के बाद जो है उनके प्रयोगों को मान्यता मिली, लेकिन तब तक वो इस दुनिया में नहीं थे। मेंडल इस संसार के पहले सफल अनुवांशिकी वैज्ञानिक थे, इसीलिए उनके सम्मान में जो है उन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए, अनुवांशिकी का पिता। ठीक है,
हनुमान जी की का पिता जो है कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जैसी बातें आप लोगों के लिए आती हैं, जैसे कि मेंडल जो है सब अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोग किए थे, 14 वर्षों तक लगातार प्रयोग किए इन्होंने और लगभग 10,000 प्रयोग इस दौरान इन्होंने किए। और जो मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया। तो आज के जो हमारा लेक्चर है ये सिर्फ जो है आपके लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी जो है चैप्टर के बारे में। अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट वीडियोस से जो है इस अध्याय के जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे उनमें जो है हम लोग मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे।